यार सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं फाइवर के ऊपर कंपटीशन देखता हूँ तो इतनी सारी सर्विसेज आ रही हैं, तो मैं अब किस पे काम करूँ। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं कि जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स को आप फाइंड आउट करके उन्हीं कीवर्ड्स को आप लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स की मदद से टारगेट करें और उन कीवर्ड्स के ऊपर, उन निशेस के ऊपर आप ऑर्डर्स विन करना शुरू करें। 2023 में आप लो कॉम्पिटिशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे गिग्स जिनके ऊपर ऑर्डर्स पे ऑर्डर लगते हैं जिनका आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं है। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही गिग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जिनके ऊपर डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। आप लोगों ने इनके ऊपर काम करना है, इनके ऊपर अपने स्किल्स को पॉलिश अप करना है और आपने इसके ऊपर ऑर्डर्स लेना शुरू करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर कंटेंट के ऊपर हमें गिग आइडियाज दे दें, फाइवर गिग्स दे दें, फाइवर कीवर्ड्स दे दें कि जिनके ऊपर हम इजीली काम कर सकें, हमें इजीली ऑर्डर्स भी मिल सकें। तो आइए, वो कौन से कीवर्ड्स हैं, वो कौन से गिग आइडियाज हैं कि जो कि लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। 10 फाइवर गिग आइडियाज आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं कि जो कि थोड़ा सा टाइम अगर इन कीवर्ड्स के ऊपर आप सीखने में लगाते हैं तो आप यकीनन इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ब्लॉगिंग के ऊपर, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर और फाइवर फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस लेकर आता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहां पर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आया वो कौन से कीवर्ड्स हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद हूं। सबसे पहला कीवर्ड आइडिया जो कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर लेकर आए हैं वो है पर्सनल सोशल मीडिया मैनेजर। जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो मैंने कुछ कीवर्ड्स को जब मैंने एनालाइज किया, कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च किया तो मुझे मिला पर्सनल सोशल मीडिया मैनेजर। अब इसके ऊपर 19,000 गो के 19,000 यहाँ पर सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वजह क्या है कि इसके ऊपर जो है वह फिर भी कॉम्पिटिशन लो है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी सर्विसेज को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, सर्विस को यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है लेकिन काम नहीं करते। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, 19,000 यहाँ पर सर्विसेज हैं। जब ऑनलाइन सेलर्स में चले जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कितने सर्विसेज बाकी रहते हैं, और ऑन एवरेज अगर आप सेलर्स की बात करें इस कीवर्ड के ऊपर तो आपको यहाँ पर अराउंड 300 to 400 या 500 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं ऑनलाइन स्टेटस में चला जाता हूँ तो 1,000 सर्विसेज यहाँ पर सिर्फ मौजूद हैं सोशल मीडिया मैनेजर, पर्सनल सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कितने थे, 19,000। अब यहाँ पर अगर आप एवरेज लगाने चलें, इस टाइम थोड़े बहुत ऑफलाइन भी होंगे, ठीक है, तो 1500 लगा लें, ठीक है। अब 1500 भी आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन लो है और डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी, हर पर्सनल ब्रांड या हर वो इंडिविजुअल जो अपने सोशल मीडिया की ग्रोथ के लिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आता है, फ्रीलांस सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को हायर करता है और अपनी सोशल मीडिया ग्रोथ लेता है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी सर्विसेज देनी है। सोशल मीडिया मैनेजर में आप एज अ ट्विटर मैनेजर आप डील कर सकते हैं, फेसबुक पेज मैनेजर, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट और इसके ऊपर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैनेजर, इसी तरह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको मैनेज कर सकते हैं, लिंक्डइन मैनेजर एक्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड है वो हमारे पास है कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने देखा कि कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, तो मैंने फिर कुछ और कीवर्ड्स ढूंढने के बाद मुझे कंटेंट डेवलपमेंट मिला जिसके ऊपर सिर्फ 1875 सर्विसेज मौजूद हैं। अब ऑफलाइन के, ऑनलाइन के ऊपर मैंने किया, अगर ऑनलाइन का मैं जिक्र करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ 100-150 रह जाएंगे, इसके अलावा 233 यहाँ पर सर्विसेज रहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेल्स की बात करें तो रिव्यू सबके पास हैं और यहाँ पर ऑर्डर्स क्यू में हैं। मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा है फिर आप तक ये गिग्स पहुँचा रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के साथ कैसे यूज करना है गिग्स के अंदर, मैं इन कीवर्ड आइडियाज को बताने के बाद लास्ट में ये बोनस टिप आपको दूंगा, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तीसरा कीवर्ड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तीसरा कीवर्ड आइडिया वो मेरे पास है सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग। आपने देखा कि वीडियो एडिटिंग या सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग, फेसबुक वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन, लेकिन सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग के ऊपर जब मैं गया हूं ना तो हालांकि यहाँ पर 54,000 यहाँ पर सर्विसेज हैं लेकिन ये उन सब में सबसे कम था, ठीक है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, जब मैं ऑनलाइन सेलर्स में चला गया तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2,400 सर्विसेज यहाँ पर हैं। आप अप्रॉक्सीमेटली ऑफलाइन लोगों को भी आप पूरी दुनिया से लगाएं तो 500 और ऐड करें 3,000 है, इसके ऊपर भी आप इजीली रैंक कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड आइडिया था, लो कॉम्पिटिशन सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर इनका कैसे यूज़ करना है
इसको भी मैं इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा, वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले कीवर्ड की तरफ, जो है जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, आपने देखा है कि डिफरेंट कंपनीज ऑनलाइन हायरिंग करती है, या डिफरेंट ऐसे इंडिविजुअल्स या डिफरेंट ऐसे सोशल मीडिया या किसी भी फील्ड से एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज में हायरिंग के लिए या जॉब को प्रपोजल सबमिट करने के लिए वो जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखवाते हैं ऑनलाइन राइटर से। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों के पर्सनल या कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन भी वहां पर राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और यहां पर डिलीवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास ट्रैवल प्लानर। आपने देखा है कि डिफरेंट ऐसे पूरी दुनिया में लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, कोई भी ऐसा फर्द जो कि ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा है या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वो पूरी दुनिया में फिरना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल प्लेस। तो आप पाकिस्तान में या इंडिया के ट्रैवल प्लेसेस के हवाले से, बांग्लादेश के ट्रैवल प्लेसेस के हवाले से, दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो वहाँ के लोकल ट्रैवल प्लेसेस के हवाले से आप लोगों को ट्रैवल प्लान या आइटनरीज दे सकते हैं। आप जहाँ पर आप रहते हैं, आप अपने एरिया के हवाले से आप ट्रैवल प्लान्स आप राइट डाउन करेंगे, ट्रैवल प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आपके उस एरिया के रिगार्डिंग मांग रहे हैं, तो यहाँ पर आप बेहतर हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है जिसके अंदर सिर्फ 559 जहाँ पर सर्विस अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आप देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं, रिव्यूज़ हैं, ये ग्रोइंग स्टेज में है कुछ एक दो कीवर्ड, तो इनके ऊपर अभी से आप अगर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द आप इसके ऊपर ग्रो करने लगेंगे। अब यहाँ से आगे जो कीवर्ड्स आपको मैं शेयर करूँगा, ये है इन्फोग्राफिक्स के ऊपर, कॉन्टेंट के ऊपर। अमेजोन इन्फोग्राफिक्स के ऊपर आप देखें तो 1454 सर्विसेज, यहाँ पर आप अमेजोन के इन्फोग्राफिक्स आप बनाकर अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स है, इंस्टाग्राम के इन्फोग्राफिक्स बनाकर आप बना सकते हैं, आप अपने अर्निंग कमा सकते हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, अपने गिग्स बनाएं, गिग्स बनाकर इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स के ऊपर आप सर्विसेज दें। अब इन्फोग्राफिक्स आप फोटोशॉप के ऊपर भी बना सकते हैं, आप कैनवा के ऊपर बना सकते हैं। कैनवा अगर आपको लगता है कि पेड वर्जन महंगा है तो आप ग्रुप बाय कर सकते हैं, मंथली 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है। प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक्स आप बनाकर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्रिएटिव इन्फोग्राफिक्स। क्रिएटिव इन्फोग्राफिक्स में भी आप इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन इन्फोग्राफिक्स हो गया, इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स हो गया, तो इन्हीं को ही टारगेट कर सकते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक अलग कीवर्ड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी लो कॉम्पिटिशन है और हाई इन डिमांड है। आपने देखा कि इंस्टाग्राम कॉन्टेंट क्रिएशन के भाई इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स के ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो इन कीवर्ड्स को टारगेट करके आप उनके ऑर्डर्स को आप यहां पर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो हमारे पास है यूनिक इन्फोग्राफिक्स। अब ये भी क्रिएटिव इन्फोग्राफिक्स में ही आता है, रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पे आप यूनिक इन्फोग्राफिक्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। 737 यहां पर सर्विस अवेलेबल है, बहुत ही जबरदस्त इन्फोग्राफिक्स बनाकर आप अच्छे अर्निंग कर सकते हैं यूनिक इन्फोग्राफिक्स में। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो कीवर्ड मेरे पास है वो है आर्टिकल टू वीडियो। आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि जो कि क्या करते हैं, आर्टिकल्स को वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जो लिखे हुए आर्टिकल्स होते हैं उनका वॉइस ओवर करके वीडियोस के फॉर्म में स्टॉक फ्री वीडियोस को ऐड करके वो उस वॉइस ओवर का यूज करते हैं, उसके बाद उनकी मिक्सिंग करके वो अपने चैनल्स को बहुत ज्यादा चैनल्स को ग्रो करते हैं और वहां से बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो आर्टिकल टू वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड है, 12,620 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप यहां पर अर्निंग कर सकते हैं अगर आपका चैनल है या किसी ऐसे फर्द को आपने इंगेज किया है, ब्लॉक किया है, कि जिसको टेक्स्ट टू वीडियोज़ की फॉर्म में वॉइस ओवर की मदद से आप वीडियोज़ बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऑर्डर्स ले सकते हैं और आर्टिकल्स को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एज अ वीडियो एडिटर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पर आप आर्टिकल्स को सेटल करके आप उनको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक दो गिग्स आपको दिखाऊँ तो आई विल मेक अप टू टॉप 5 और टॉप 10 यूट्यूब वीडियोज। ठीक है, ये वो वीडियोज है। आई विल कमेंट ब्लॉग पोस्ट टेक्स्ट और आर्टिकल टू वीडियो विद वॉइस ओवर। ठीक है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ऑर्डर्स क्यों में है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स क्यों में है, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर एक तफसीलन एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आर्टिकल टू वीडियो कैसे बनती है और आप यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो
ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में वो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग आइडिया जो 2023 के अंदर आप अपने अर्निंग को डबल कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर लो कंपटीशन है। मैंने उन तमाम कीवर्ड्स को आपके साथ शेयर किया है जिनके रिलेटेड कीवर्ड्स तो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन के अंदर हैं, लेकिन उन हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स की मदद से टारगेट करके आपने वहां पर भी अपने आप को स्टैंड आउट करना है और इन कीवर्ड्स के ऊपर भी आपने अपने आप को स्टैंड आउट करना ताकि दोनों की मदद से आप अपने ऑर्डर्स को विन कर सकें। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो कि जिसमें आप अपने फाइवर अपॉर्चुनिटी को 2023 में सक्सेसफुली अनलॉक कर सकें। इसी के साथ ही अगर आप लोगों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो के भी साथ साथ जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।